नमस्कार दोस्तों, आज साल 2020 की होने वाली है आखिरी रात और आने वाले साल यानी कि 2021 की होने वाली है नई शुरुआत। और इसी खुशी में नया साल सेलिब्रेट करने के लिए लोग अलग अलग तरीके से प्लान करते हैं, कोई पार्टी तो कुछ लोग आउटिंग के लिए। लेकिन आज की रात बाकी साल के जैसे नॉर्मल नहीं होने वाली है, क्योंकि लगने वाला है नाइट कर्फ्यू। अगर आपने भी कोई प्लान कर रखा है आज रात की पार्टी का, तो हो जाइए सावधान और जान लीजिए क्या है नए नियम कानून, क्योंकि आज रात से कुछ राज्यों में लगने वाला है नाइट कर्फ्यू। अगर नियमों का उल्लंघन करते पकड़े गए तो आपके ऊपर की जा सकती है सख्त कार्यवाही। आगे वीडियो में आपको बताते हैं कि कहां पे और कितने बजे से कितने बजे तक लगने वाला है ये नाइट कर्फ्यू। इसके अलावा क्या है नए रूल एंड रेगुलेशंस, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फुल टू नॉलेज में। सबसे पहले आपको बता दें कि दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र और बेंगलुरु में आज और कल यानी कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी दो दिन रहने वाला है नाइट कर्फ्यू, जिससे कि ज़्यादा लोगों की गैदरिंग ना हो पाए, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि कोरोना का प्रकोप अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है और ऊपर से यूनाइटेड किंगडम कोविड स्ट्रेन की वजह से और भी ज़्यादा खतरा बढ़ गया है। नाइट कर्फ्यू की जो टाइमिंग रहने वाली है वो दिल्ली में रात के 11 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक और राजस्थान में रात को 8 बजे से सुबह के 6 बजे तक, महाराष्ट्र में रात के 11 बजे से 6 बजे तक, बेंगलुरु में शाम के 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक। इस टाइम के बीच में किसी को भी पब्लिक प्लेस पे न्यू ईयर सेलिब्रेट करने नहीं दिया जाएगा। अब बात करते हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस, इंडिया गेट, हौज खास जैसी कुछ जगहों पर जहां पर न्यू ईयर की नाइट में ज़्यादा लोग इकट्ठे होने की एक्सपेक्टेशन रहती है। ऐसी जगहों पर पुलिस की तैनाती और भी ज़्यादा सख्त रहने वाली है, जिससे कि किसी भी हालात में रूल्स ब्रेक ना हो और अगर कोई नियमों का उल्लंघन करते पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इसी को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली मेट्रो में भी राजीव चौक के एग्जिट गेट बंद रहेंगे रात के 9 बजे के बाद, किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा कनॉट प्लेस में आफ्टर 6 PM किसी भी वाहन को एंट्री नहीं दी जाएगी, बशर्ते उसके पास कोई स्पेशल परमिशन हो। सभी रेस्टोरों, पब और डिस्क में ओनली 50% गैदरिंग की परमिशन दी गई है। बाइक स्टंट वालों पर नकेल कसी जाएगी और इनको पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस जगह जगह पर पेट्रोलिंग करेगी। इसलिए सभी लोगों से अपील है न्यू ईयर सेलिब्रेशन करने के साथ साथ कोविड-19 के नियमों का पालन करें और अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें और सेफ रहें। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं वर्ल्ड टॉप 10 कोविड अफेक्टेड कंट्रीज के बारे में, तो उसकी वीडियो भी आप ऊपर आई बटन में जाकर देख सकते हैं। आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप अपना नया साल कैसे मनाने वाले हैं। सभी व्यूअर्स को हैप्पी न्यू ईयर। जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई नॉलेज के साथ। टिल देन बी सेफ एंड कीप वॉचिंग फुल टू नॉलेज।